भिलाई शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड कला मंदिर के सामने लगा स्वदेशी मेला इन दिनों शहरवासियों की पहली पसंद बना हुआ है। बड़ी संख्या में रोजाना स्वदेशी खादी महोत्सव पहुंचकर लोग अपनी मनपसंद की खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। एक ही छत के नीचे संपूर्ण वस्तुएं किफायती दरों पर यहाँ पर उपलब्ध है। स्वदेशी खादी महोत्सव, जी हाँ, सिविक सेंटर कला मंदिर के सामने वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा स्वदेशी खादी मेला इन दिनों समस्त शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र व पहली पसंद बना हुआ है। खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों की निर्मित चीजें, ड्रेस मटेरियल उपलब्ध है। एक से बढ़कर एक कलेक्शन, हस्तशिल्प व हथकरघों की वैरायटियां उपलब्ध है। मेरठ की खादी साड़ी सूट, पंजाब का पटियाला, कश्मीरी कुर्तियां व विथ दुपट्टा कंप्लीट खूबसूरत सूट उपलब्ध है। बंगाल की साड़ियां, इमिटेशन ज्वेलरी, कुंदन के कंगन, नग के कंगन, इयर रिंग, वही चप्पलों में भी अनेकों वैरायटियां उपलब्ध है। खूबसूरत जूती, लेदर चप्पल, वही बच्चों के लिए भी ड्रेस कलेक्शन के साथ खिलौनों की भरमार व पानी में बोट का मजा बच्चों के लिए उपलब्ध है। वहीं खाद्य सामग्रियों में पापड़ों की अनेकों वैरायटियां, आलू पापड़, मूंग दाल पापड़, उड़द पापड़, चावल के पापड़, साथ ही खट्टे मीठे मिक्सचर और इसके साथ ही अचार की अनेकों वैरायटियां, आम का अचार, आंवले का अचार, आम का मुरब्बा, जेली आदि खट्टी मीठी सामग्रियां उपलब्ध है। स्वदेशी खादी महोत्सव को लेकर संचालक ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही शहर वासियों से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आने की अपील की। जी, सबसे पहले मैं सभी भिलाई वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके द्वारा हमको यहाँ पे प्यार मिलता है और उनके द्वारा जो कि हमको रिस्पॉन्स मिलता है, इसके लिए हम जो कि यहाँ आते हैं। और बताना चाहें कि इस बार स्वदेशी खादी महोत्सव में तकरीबन 18 से 20 राज्यों की दस्तकारी हुई है। इसमें एक से बढ़कर एक नया आप कलेक्शन जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं और हथकरघा की वस्तुओं पर 20% तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं पर 10% तक की छूट का भी प्रावधान रखा गया है। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 से लेकर रात्रि 10 बजे तक है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं। और कुछ नई वैरायटियां भी इस बार हम लेकर के आए हैं, और जैसे मेरठ के खादी हुए, पिलकुआ बेडशीट, पटियाला ड्रेस, कश्मीरी साड़ी सूट, लखनऊ चिकन, इमिटेशन ज्वेलरी, फैंसी एवं लेदर चप्पल, खुर्जा की कराकरी, भदोई के कारपेट जो कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध है, इसके साथ साथ जो कि लगभग 70 से 80 हज़ार वैरायटियों का एक अनुपम संग्रह एक ही छत के नीचे स्वदेशी खादी महोत्सव सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में कला मंदिर के सामने। एक बार पुनः सभी भिलाई वासियों से आह्वान करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और स्वदेशी खादी प्रदर्शनी का लाभ उठाएँ। सबके लिए जो कि समान रूप से स्पेशल छूट है, आप आएँ, अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाएँ। धन्यवाद। यह दुकानों में विभिन्न राज्यों की सामग्री व सामानों के स्टॉल लगाए दुकानदारों ने भी जानकारी दी, साथ ही यहां खरीदारी करने आए ग्राहकों ने भी काफ़ी संतुष्टि जाहिर की। हाँ बोले मैडम, मैं राजस्थान से आया हूं। यहां पे खादी महोत्सव लगा है, एक कुर्ती है राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली और जैसे खादी हो गया मेरठ और अलग अलग जगह से जयपुरी हो गया, ऐसे ऐसे सब आते आए हैं यहाँ पे कस्टमर के स्थान पे आए हैं। और जैसे आ गया है वहाँ से अलग अलग साड़ी, बनारसी हो गया, बंगाली साड़ी हो गया, सिल्क साड़ी, सब आए हैं अलग अलग जगह से। मैडम, आप खादी स्वदेशी मेले में महोत्सव में आई हैं, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बेहतरीन, टिकाऊ और हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं। आप भी आइए यहाँ पर, देखिए। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? यहाँ पे कपड़े हैं और ज्वेलरी है, आप एडी का सामान ले सकती हो जो किफ़ायती बहुत ही अच्छे दामों में मिलेगा आपको और गारंटेड है, जिसको रोज़ यूज़ करूँगी तब भी ख़राब नहीं होगा, वॉशेबल है ऐसा। खादी स्वदेशी मेरे में आई हूँ शॉपिंग करने के लिए, कैसा लगा? अभी तक तो जो देखा है, इसके पहले भी लगा था यहाँ पर मेला और अच्छा है। अभी आई थिंक अभी पूरे शॉप स्टार्ट नहीं हुए हैं, लास्ट टाइम जैसे काफ़ी सारे शॉप्स थे, अभी थोड़ा शॉप कम लग रहा है, बट रेट में डिफरेंस है। खादी स्वदेशी मेले में आप आई थी शॉपिंग करने, कैसा लगा? बहुत अच्छा, एक ही छत में इतनी सारी वैरायटीज़ मिल गई, अच्छे रेंज में मिल गई। मैं सजेस्ट करूँगी कि बाकी लोग भी आएँ और इसे लें, खुश होके जाएंगे। थैंक यू।
स्वदेशी खादी महोत्सव। जी हाँ, सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड कला मंदिर के सामने लगा खादी महोत्सव में एक ही छत के नीचे किफायती दरों में विभिन्न वैरायटियां विभिन्न राज्यों की उपलब्ध है। तो ध्यान रखिए, कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। आप सभी स्वदेशी खादी महोत्सव पहुंचकर अपनी मन पसंद की शॉपिंग करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।